अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एमआर न्यूज़ और मैं हूं कशफ मलिक। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि हुकूमत अपनी मुद्दत जरूर पूरी करेगी। मोनिस इलाही को गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा कि मोनिस इलाही को जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने की जरूरत है, उन्हें गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए दायर दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार के पेश ना होने पर बरहम हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने केस की समाप्त की, जिसके लिए दरख्वास्त गुजार अली गोहर रोज इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त गुजार के जूनियर वकील ने पेश होकर बताया कि दरख्वास्त गुजार लाहौर में है, इसलिए पेश नहीं हो सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दरख्वास्त गुजार के पेश न होने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार को बता दें, आइंदा समाप्त पर पेश न हुए तो आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर देंगे। सैलाब के बाईस 6 सितंबर योम दिफा की मुलतवी होने वाली तकरीब आज होगी। योम दिफा की तकरीब आर्मी ऑडिटोरियम में होगी, जिससे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खिताब करेंगे। वाज़े रहे कि 6 सितंबर को यौम दिफा की तकरीब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाब के बाईस मुलतवी की गई थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीआई की जानिब से परेड ग्राउंड में इमरान खान के हेलीकॉप्टर को उतारने की इजाज़त देने से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स दिए। हेलीकॉप्टर सर्विस फ्राहम करना अदालत का काम तो नहीं है। पीटीआई के जलसे के लिए इस्लामाबाद से गुजरने और परेड ग्राउंड में इमरान खान को हेलीकॉप्टर उतारने की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर समाप्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में हुई। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि 26 नवंबर के लिए पीटीआई ने रावलपिंडी में जलसे की कॉल दी, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपकी इस्तदा है, मैं उनको वो हिदायत दूँ जो मैं नहीं दे सकता, ये इंतजामिया का काम है। लाहौर में पुलिस से बचने के लिए भागने वाले दो डाकू ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गए। लाहौर के इलाके शाद बाग में पुलिस फोर्स के ताकुब के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार डाकू भाग निकले। डाकुओं ने पुलिस के हाथ आने से बचने के लिए तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल भगाई, जिसके बाद वो ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गए। ट्रैफिक हादसे में दो डाकू मौका पर हलाक हो गए, जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया गया। लैया से खबर शामिल करते हैं। नए तैनात होने वाले डीपीओ मोहम्मद नासिर सियाल ने लैया पुलिस की कमांड संभाल ली। दफ्तर आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पुलिस दस्ता ने सलामी दी। डीपीओ लैया ने कहा कि दफ्तर पुलिस आने वाले साइलेंस समेत तमाम शहरों से खुश असलूबी से पेश आए, दफ्तरी अमला फोर्स के मोरल को बुलंद करने में किरदार अदा करे। तफसीलात के मुताबिक नए तैनात होने वाले डीपीओ मोहम्मद नासिर सियाल ने लैया पुलिस की कमांड संभाल ली। जिलाई दफ्तर पुलिस पहुंचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। डीएसपी सदर अब्दुल मजीद मस्तोई ने डीपीओ लैया से दफ्तरी स्टाफ का तारुफ करवाया। लाइन ऑफिसर कैसर इकबाल की क्यादत में लैया पुलिस के चाको चौबंद दस्ता ने डीपीओ को सलामी पेश की। डीपीओ ने हिदायत करते हुए कहा कि तमाम पुलिस अफसरान और एहलकारान अपना टर्न आउट बेहतर रखें, दफ्तर पुलिस आने वाले साइलिन समेत तमाम शहरों से खुश असलूबी से पेश आए और उनको इंतजार करवाए बगैर पुलिस सर्विस फ्राहम की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि फोर्स के जवान लैया पुलिस को हासिल कामयाबियों के तसलसल को बरकरार रखने के लिए जज्बा से सरशार होकर मेहनत और दिल जमे से फ्राई सर अंजाम दें। डीपीओ ने दफ्तरी अमला को हिदायत करते हुए कहा कि फोर्स के मोरल को बुलंद करने में किरदार अदा करें। नाज़रीन, एमआर न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफ़सीलात के लिए देखते रहिए एमआर न्यूज़। न्यू इकबाल टिक्का शॉप, चटपटे और लजीज खानों का वाहिद मरकज। हमारे यहाँ चिकन पीस, बीफ कबाब, चिकन स्पेशल कढ़ाही, चिकन वाइट हांडी, चिकन ग्रीन टिक्का, चिकन मलाई टिक्का, मटन कढ़ाही, चिकन रेशमी कबाब, फिश ब्रोस्ट, चिकन चलगोजी, चिकन बिरयानी, चिकन कॉर्न सूप और हर किस्मी खाने दस्तियाब हैं। न्यू इकबाल टिक्का शॉप नज़्द गला मंडी लिया। प्रोप्राइटर मोहम्मद इकबाल। फोन 03008766411।